Good morning, student. Welcome, you all. So, today we are going to discuss some uh, sentences with let. Alright, so as I already uh, taught you, uh, some pronouns related rules, some tense related rules, or some interrogative sentences, and uh, uh, we'll see. Uh, सम कमांड और रिक्वेस्टेड लाइक इम्पेटिव सेंटेंसेज सो इम्पेटिव सेंटेंसेस में ही हमने लेट का स्टार्ट किया था अब लेट को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बेसिकली लेट इज यूज विथ डिफरेंट मीनिंग ऑल राइट सो और लेट एक्सप्रेस सम सजेशन समल और वी मे यूज मीन्स वी मे यूज शुड एंड चेंज द रिपोर्टिंग वर्ड इन टू प्रपोज और सजेस्ट सी लेट यूज इन वेरियस मीनिंग सो फर्स्ट इज लेट इज यूज टू मेक अ प्रपोजल लेट किस में यूज होता है टू प्रपोज समथिंग ऑल राइट फर्स्ट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इन टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब सेड हुआ से हुआ टेज हुआ इट्स चेंज इन टू प्रपोज और सजेस्टेड किस में चेंज होगा ये प्रपोज्ड में चेंज होगा और सजेस्टेड में चेंज होगा ऑल राइट right. सो so, ये आपको अच्छे से याद रखना है नेक्स्ट इज यू शु यू यूज शुड इंस्टेड ऑफ लेट लेट की जगह आप किसका यूज कर सकते हो शुड का भी आप यूज कर सकते हो सो एग्जाम्पल सी सम एग्जाम्पल ही सेट टू मी लेट अस गो होम राइट तो ही सजेस्टेड अब देखो सजेस्ट suggest, सजेशन की कंडीशन आ रही है भाई हम प्रपोज कब कर रहे हैं सजेशन कब दे रहे हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही पता होगा हमें तो लेट अस गो होम तो लेट अस गो होम चलो घर चलते हैं like, तो ये सजेशन है सो ही सजेस्टेड टू मी देखो सजेस्टेड टू प्रपोज टू ऐसे आएगा टू इसमें रिमूव नहीं होगा ठीक है सो ही सजेस्टेड टू मी डैट पुट करेंगे डैट दोनों के बीच में डैट अब लेट us 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 go home. So So instead of let, what we use here should. Okay. So अब आस, आस को हमको में चेंज करना है we में. अब देखो, हमारा, आप कह दो ये एक objective है तो us को हमने किसमें change किया we में change किया देखो अगर I, मी ये सब दे रखा होगा रिपोर्टिंग verb में तो अस को हम वी में चेंज करेंगे राइट और अगर आए uh, मी की जगह कुछ और दे रखा है तो अस को हम दे में चेंज करेंगे राइट right? तो अस को हमने यहाँ पे किस में चेंज किया मी में चेंज किया लेट अस गो होम टू मी डैट वी अब देखो वीक में चेंज किया लेट की जगह हमने शुड का यूज किया एंड देन गो होम एज इट इज़ यहाँ पे आ गया ट इज यूज एज टू अलाउ लेट एक कंडीशन में भी यूज होता है देट इज टू अलाउ की कंडीशन में कि कोई चीज अलाउ करने की कंडीशन में भी हम लेट का यूज कर करते हैं सी इन डायरेक्ट स्पीच वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू रिक्वेस्टेड और ऑर्डर देखो अब पहले तो इन डायरेक्ट स्पीच को हम क्या कर रहे थे रिक्वेस्टेड सॉरी uh, सजेस्टेड और प्रपोज में चेंज कर रहे थे सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हमारा uh, जो रिपोर्टेड uh, स्पीच है वो रिक्वेस्टेड और ऑर्डर के कुछ सेंस निकालता है तो उसमें क्या कंडीशन है सो वी स्टार्टेड रिपोर्टेड स्पीच विद टू किससे स्टार्ट करेंगे टू से देखो अब कैसे होगा टू से अब क्या कर रहे हैं इस वाली कंडीशन में दो तरीके अगर टू अलाउ की कंडीशन आ रही है और or आ रहा है। तो तो जैसे ये क्या कर रहे हैं करने दो, right? so ये क्या कह रहे हैं तो राम ordered. राम किस कह रहा है? क्या कह ऑर्डर दे रहे हैं किसको मोहन को सो so इस वाली कंडीशन में हम जो टू का यूज करेंगे डेट का यूज नहीं करेंगे टू कनेक्ट द फर्स्ट पार्ट और द सेकंड पार्ट डेट इज द रिपोर्टिंग पार्ट और द रिपोर्टेड पार्ट सो टू अब इसमें देखो टू अलाउ भी आप लिख सकते हो और टू लेट भी आप लिख सकते हो इट्स अप टू यू आपको अलाउ लिखने लेट लिखने तो मेरी इच्छा तो ये है मतलब मैं ऐसा मानती हूँ मेरी इच्छा नहीं है कि आप टू लेट यूज़ करो तो आपको थोड़ा याद रखने टू अलाउ पता नहीं आप भूल जाओ तो टू लेट का ही यूज़ कर लो आप इसमें टू लेट हिम टू डू अब देखो इट इट भी किस में चेंज हो जाता है डैट में एक और चीज़ आपने यहाँ पे सीख ली इट बिकम्स डैट इट को भी हम डेट में यूज कर लेते हैं यूज करते हैं ये तो पता था हमें इट को भी हम डेट में यूज करते हैं क्लियर सो नाउ सी स्पीच और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लेते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड वट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टॉपिक सो द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसिस

एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टिटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं तो रूल नंबर वन इज रिपोर्टिंग वर्ब सेट इज चेंज इन टू एक्सक्लेम्ड इसमें क्या होगा रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है जैसे हमने देखो इंटेरोगेटिव में आज में चेंज किया था uh, जब हम इम, इम्पेरेटिव कर रहे थे इम्पेटिव में हमने रिक्वेस्टेड टू ऑर्डर टू कमांड इन सब में यूज किया था बट इन एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेट चेंज इन टू एक्सक्लेम्ड में चेंज हो गया एक्सक्लेम्ड इन केस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इन टू विश्ड और प्रेड इन केस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लेम्ड करेंगे और विश और प्रेड में हम जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारे विश्ड और प्रेड प्रेज होते हैं उसमें हम करेंगे ही सेड हो

ही सेट अलास अलास का पता जब आप दुख में बात करते हो अलास ओ गॉड ये हो गया सो इट इज अ ग्रीवियस लॉस ये क्या है ग्रीवियस लॉस है राइट right? सो so, क्या करेंगे ही एक्सक्लेम विद सोरो दुख है तो सोरो यूज करेंगे तो ही एक्सक्लेम विद सोरो हमने दोनों को ऐड करने के लिए क्या किया डैट यूज किया अब इट भी हमने किस में यूज किया यहाँ पे डैट में डैट डैट इट का क्या हो गया डैट चेंज हो गया तो डैट डैट वॉज अ ग्रीवियस लॉस क्या हो जाएगा was, इसको was में किया और ग्रीवियस लॉस का ग्रीवियस लॉस क्लियर है बिकॉज इट को डेट में चेंज कर सकते हैं ना तो डेट का डैट हो जाएगा यहाँ पे एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंटेन्स वर्ड विच एक्सप्रेस सर्ट एंड स्ट्रोंग इमोशन ऑफ एंगर

बोलते ना हम डे ओह ये हो गया तो हमारा फेस देख लो कैसे बन रहा है तो रिग्रेट करते हैं हम किसी चीज जब यूज करते हैं तो एक्सक्लेम विद डिलाइट रिलैक्सेशन फू एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विद द सन अब देखो अब जब ये कंडीशन है ये ऑप्टेटिव कंडीशन है तो जब ये चीजें आती हैं तो आप क्या करोगे ही प्रेड ही प्रेड किया डैट गॉड मे माइट में चेंज हो गया राइट ब्लेस ब्लेस में हिम में चेंज किया विद अ सन ये डायरेक्ट में हमने किया क्लियर ओके नाउ सी द रूल नंबर सेकेंड फोर्स द एक्सक्मेटरी और देखो क्या था फर्स्ट ही सेट वॉट अ फाइन वर्ड इट इज वॉट अ फाइन वर्ड इट इज तो ही एक्सक्लेम्ड डैट एक्सक्लेम्ड कर रहा है दैट इट वॉज अ फाइन वर्ड अब देखो वॉट तो हम यूज करेंगे नहीं क्योंकि ये ऑप्टिटिव सेंटेंस है इम्पेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वर्ड को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे ठीक है सो ही एक्सक्लेम डैट हमने यूज किया यहाँ पे वर्ड को हमने रिमूव कर दिया और इसकी जगह हमने क्या पुट किया इट पुट किया देखो इट यहाँ पे था तो पहले इट वॉज भाई हम सब्जेक्ट यूज करेंगे पहले तो इट हमने यूज किया Is, uh, का हमने वॉस कर दिया और अ वेरी फाइन बर्ड एज इट इज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिया क्लियर सो द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड एंड ऑल इंटरजेक्शन सच इज अलास हुट्रा आर ड्रॉप्ड देखो जब जो साइन है एक्सक्लेमेटरी साइन वो ड्रॉप होगा क्या है देखो सी फॉलो द रूल्स फॉर चेंज द टेंसेस पर्सनल प्रोनाउंस

स जो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले वर्ड हैुर्रे अलास ओ ये सब भी क्या हो जाता है रिमूव हो जाते हैं सी समी वॉन द मैच अब रोहन क्या कहता हैुर्रे वी वॉन्ट द मैच हम क्या जीत गए मैच जीत गए सो इन डायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे रोहन एक्सक्लेम विद जॉय डैट अब देखो वी वी किस में चेंज हो रहा है दे में दे वॉन द मैच अब वॉन सिंपल पास में था तो न, क्या हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दर्क तो हैड यूज करेंगे वॉन वॉन एट द मैच ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है सेंटेंस uh, देखो रीमा सेड अलास मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर अभी बहुत दुख की बात है कि करीनास की मदर क्या है किससे सफर कर रही है कैंसर से सफर कर रही है सो रीमा एक्सक्लेम विद सोरोलास है तो सोरो एक्सक्लेम करा अब कंजंक्शन डेट का यूज करा

अब यूज कोड एटी नाइन रन सो यू कौन है यहाँ पे कपिल है सो ही सो ही यूज़ किया ही हैड सो यू स्कोड पास्ट में है तो ही हैड स्कोड एटी नाइन रन्स ऑल राइट सो विद दिस वी कम टू एंड आर रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक सो आई होप यू ऑल हैव मस्ट द रिपोर्टेड स्पीच वेरी वेल सो थैंक यू Uh, for watching this video, so if you have any problem regarding this topic, so you can contact me, okay? Anytime, not anytime means some in school hours only, all right? So, thank you so much.